वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी कायदीन हर चीज के लिए जय श्री राम कहते हैं। इसकी मिसाल पुलवामा वाकया है। इसको रोकने में बीजेपी के कायदीन नाकाम रहे। उन्होंने पूछा कि आईबी इंटेलिजेंस नेटवर्क क्या कर रहा है। पुलवामा वाकये के बाद सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए सियासी फायदा उठाने के लिए मोदी ने कोशिश की। पुलवामा वाकया क्यों होने दिया गया। आंतरिक सुरक्षा में मैं वही बात बोल रहा हूं ना, हर चीज के लिए वो जय श्री राम बोलने वाले। तो वो मैं सीधा सीधा पुलवामा इंसिडेंट इज क्लासिक एग्जांपल। दे हैव फेल्ड। आईबी क्या कर रहा है, इंटेलिजेंस नेटवर्क क्या कर रहा है? पुलवामा इंसिडेंट होने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए मोदी जी कोशिश कर रहा है। मेरा सवाल यह है कि मोदी जी को, भाई आप क्या कर रहा है? पुलवामा इंसिडेंट क्यों हुआ है, क्यों होने दिए? देश की सुरक्षा आप क्या कर रहा है? क्यों आईबी रा ये एजेंसीज को क्यों इस्तेमाल नहीं किया आप? तो वहां पर आपका फेल्यूर है ना। उसके बाद आप किए नहीं किए भगवान जाने, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं हुआ किसी को पता भी नहीं आज तक। तो आंतरिक सुरक्षा कांग्रेस की जिम्मेदारी है। हम ऐसे वैसे देश को किसी के हाथ में छोड़ने के लिए हम लोग राजी नहीं है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने तेलंगाना में अपने हम मनसब रेवंत रेड्डी के खिलाफ संगीन रिमार्क्स किए। कड़पा में पार्टी की इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए जगनमोहन रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के आदमी हैं और रेवंत रेड्डी कांग्रेस के वज़ीर-ए-आला हैं। चंद्रबाबू नायडू इख्तदार में आने के लिए कांग्रेस का भी तामुल ले रहे हैं। इनमें बीजेपी के साथ और रात के अंधेरे में कांग्रेस के साथ उनकी दोस्ती चल रही है। उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए रियासत की तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहद हो गई हैं, लेकिन ये सब मिलकर उन्हें इख्तदार से महरूम नहीं कर सकते। చంద్రబాబును గెలిపించడం కోసం ఏ రకంగా కుట్రలు జరుగుతూ ఉన్నాయన్నది ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. చంద్రబాబును గెలిపించడం కోసం, మన ఓట్లను చీల్చడం కోసం ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో రంగప్రవేశం చేసింది అని అంటే చంద్రబాబు రాజకీయాలు ఎలా ఉన్నాయని ఒక్కసారి గమనించమని అడుగుతా ఉన్నా. ఇదే చంద్రబాబు మనిషి రేవంత్ రెడ్డి, ఇదే రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ. ఒకవైపున పట్టపగలు బీజేపీతో కాపురం చేస్తాడు, రాత్రిపూట కాంగ్రెస్తో కాపురం చేస్తాడు ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు. ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. ఈరోజు రాజకీయాలు ఎంతగా దిగజారిపోయాయి అని చెప్పి నాన్నగారు బ్రతికున్నప్పుడు वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी की जानिब से उन पर लगाए गए इल्जाम पर रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जगन को चाहिए कि वो पहले अपने ख़ानदानी मसाइल पर तवज्जो मरकूज करें। जगन ने उन पर जो भी इल्जाम लगाए हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है, वो उन पर यकीन नहीं करते। జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడే మాటల్ని సొంత చెల్లి కన్న తల్లి నమ్మడం లేదు. సొంత చిన్నాయనకు జరిగిన పరిస్థితులు, ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్న వాతావరణం వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులే చెప్తున్నారు. కన్న తల్లి సొంత చెల్లే విశ్వసించండి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏది మాట్లాడినా, నా మీద ఎలాంటి ఆరోపణ చేసినా దానికి ఏమాత్రం విలువ లేదు. మిత్రుడు పక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నా సూచన, కన్న తల్లి సొంత చెల్లి లేవనెత్తుతున్న ప్రశ్నలకు మీరు సమాధానం ఇవ్వండి. వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన ఆవేదన మీ కుటుంబ అంతర్గత విషయమైనా బహిరంగంగా రాజకీయ వేదికల మీద చర్చ జరుగుతుంది కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దాని మీద దృష్టి పెడితే ప్రయోజనం ఉంటుంది. రేవంత్ రెడ్డి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. రేవంత్ రెడ్డి లాయల్టీ 100% 100% కాంగ్రెస్కి ఉంటుంది.
వ్యక్తులతో వ్యక్తిగత పరిచయాలు సత్సంబంధాలు రాజకీయాలకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పట్ల గౌరవం ఉంది కానీ రాజకీయ సంబంధాలు లేవు వారితో ఉన్న రాజకీయ సంబంధాలను తెంచుకొని 2017 అక్టోబర్ 31 నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో నేను చేరిన నేను ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి బాధ్యత వహిస్తా శర్మిల ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు ఖచ్చితంగా శర్మిల నాయకత్వాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్ని గెలిపించడానికి నా వంతు సహకారం ఉంటుంది కాబట్టి వారు కుటుంబ సమస్యల్ని పరిష్కరించే దాని మీద మనసు పెడితే బాగుంటుందని నేను సూచన చేస్తున్నా వారికి दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रिहाई पर उनके अरकान खानदान ने घर पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने यकुम जून तक उनकी जमानत मंजूर की है, जिसके बाद केजरीवाल तिहाड़ जेल से घर पहुंचे। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुबैना आबकारी पॉलिसी स्कैम से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस की मुलजिमा व बीआरएस की लीडर के कविता की दरख्वास्त जमानत पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक नोटिस जारी की है। खसूसी अदालत की जानिब से 6 मई को उनकी दरख्वास्त के इस्तरदाद के बाद वो हाईकोर्ट से रुजू हुई। सीबीआई और ईडी के केसेस की अदालत समाप्त कर रही है। रॉस इवनी अदालत की खसूसी जज कावेरी बावेजा ने कविता के खिलाफ आयद करदा इल्जाम की नोयत को मलहूज रखते हुए उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। बीआरएस सरबरा वो तेलंगाना के साबिक वजीर आला चंद्रशेखर राव की दुख्तर कविता ईडी के केस में 20 मई तक और सीबीआई के केस में 14 मई तक अदालती तहवील में दे दी गई है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के 17 लोकसभा हलकों में रायदही के वक्त में एक घंटे का इजाफा कर दिया है। तमाम हलकों के साथ साथ कंटोनमेंट असम्बली हलके के ज़िमनी इंतखाब के लिए भी वोट सुबह 7 बजे तक 6 बजे शाम डाले जाएंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि रायदही के दिन पुलिस की जानिब से हरासानी नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पोलिंग ऑफिसर्स के लिए जो हैंडबुक 2023 दी गई है उसके पैराग्राफ नंबर 13.28 और 13.29 के मुताबिक पुलिस अहदेदारों को यह हक नहीं पहुंचता कि वो रायदहिंदों के शिनाख्ती कार्ड्स और चिट्ठियों की जाँच करें। पुलिस दस्तावेजात की जांच नहीं कर सकती। पुलिस का काम हरासानी करना नहीं है बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना और गड़बड़ करने वालों को उठाना है। पुलिस का काम निगरानी करना है। सदर मजलिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से पोलिंग स्टेशनों के करीब बूथ असिस्टेंट काउंटर्स भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें मजलिस के जिम्मेदारान राय दहिंदों की रहनुमाई और आसानी के लिए चिट्ठियाँ तकसीम करेंगे। सदर मजलिस ने जहानुमा और दीगर मुकाम पर जलसों से खिताब किया। खातीन को लेके जा रहे हैं और हजरत पुलिस ये बोली नहीं था तुम्हारा चिट्ठी दिखाओ फुला दिखाओ, तो आप उनको बोलना प्रिसाइडिंग ऑफिसर की किताब पैराग्राफ नंबर 28 पैराग्राफ नंबर 13.28 आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्टर्स और पैराग्राफ और 13.29 यहां पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि पुलिस को अख्तियार है किसी का शनाख्ती कार्ड देखने के। ये हैंडबुक ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर 2023 है। अब ये क्यों बोल रहा हूं मैं आपको, कैसे मालूम हुआ मेरे को? लैला का मजनू और उमराव जान तीर मारने वाले को बोले तो बोलते ना दीवार के भी कान रहते हैं। तो ये पैराग्राफ नंबर
13.28, 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
प्रिसाइडिंग ऑफिसर और अंदर जो जिस किसी पार्टी का पोलिंग एजेंट बैठा वो चैलेंज कर सकता है। तो इसलिए परेशान मत होइए। अगर कुछ मैं तो अवामी तौर पे बोल चुका हूं, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो बुक है हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर्स 2023 पैराग्राफ नंबर 13.28 बताओ काम बोले पुलिस को नहीं उन्हों बोले उन्हों भी नहीं बोल सकते। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम है चेक करना, पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम हाँ कोई होशियारी करा डेढ़ होशियारी करा उठा के लिख जाओ आप रोको, मगर गैर जिंदगी के हाँ बताओ कहीं कुआए वो नहीं करना। मैं फिरते रहूंगा कानून मेरे को मालूम, मैं दूसरों की तरह नहीं हूं। इलेक्शन हमारे लिए बहुत अहम चीज है और हमको अपने पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाना है। ये तमाम चीजें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप जहनी तौर पर तैयार हो जाइए। अकबरुद्दीन अवैसी कायद मजलिस मुखरना पार्टी ने सवाल किया है कि वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी के कायदीन अपनी इंतखाबी तकारीर में 10 साल कारकर्दगी और मंशूर का तस्करा क्यों नहीं कर रहे हैं। वो क्यों नहीं बता रहे हैं कि 2014 और 2019 के इंतखाबात में जो आवाम से वादे किए गए थे क्या वो वादे पूरे किए गए। मोदी अमित शाह और दीगर बीजेपी कायदीन की सियासी कदर रुपये की कदर से भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। ये लोग पार्टी को वोट दिलाने में नाकाम हैं, इसीलिए भगवान राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान राम भी उनसे नाराज़ हो गए हैं। इसीलिए अवैसी बरादरान का खौफ पैदा करते हुए वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें सालर मिल्लत ने यह सिखाया है कि मुखालिफिन के सियासी जाल से कैसे बचना है। सही वक्त पर सही फैसला यही सियासत है और सियासत हमारे घर की लौंडी है। अकबरुद्दीन अवैसी ने रियासत नगर हबीब नगर में एक ज़बरदस्त इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बशमूल बीजेपी के कई कायदीन पर तनकीद की। उन्होंने वज़ीर आज़म के साथ साथ ज़ाफ़रानी जमात के कई कायदीन की जानिब से मजलिसी क़यादत और जमात को मुसलसल निशाना बनाए जाने के तनाजुर में बताया कि वो इनका किरदार जवाब दे रहा है, लेकिन मुर्दा जिस्मों में वो अपनी ज़बान के अल्फाज से जान डालना नहीं चाहते। सियासत अकबर ओवैसी के घर की लौंडी है। मेरे बाप ने मुझे बताया सही वक्त पे सही फैसले को ही सियासत कहते हैं, और जिनकी सियासी मौत हो चुकी है उन मुर्दों में अकबर ओवैसी अपने अल्फाज की जान नहीं डालना चाहते। सालार भी कहते थे, मैं पहले भी कहता था, चुड़ी का बच्चा नहीं हूं, समझे? तुम जाल फेंकेंगे मैं जाल में आ जाऊंगा, नहीं मैं जाल में आने वाला नहीं हूं। अरे बहुत भोकने वाले भोक रहे हैं, भोकने दो, बोलने दो, हर एक का जवाब देना मेरी आदत नहीं है। अरे जब शेर और हाथी गुजरता है तो कुत्ते जरूर भोकते हैं। अब वो अलग बात है कि ज़ईफ हो गया, कई चीजों का शौक था, कभी घड़ी का शौक था तो कभी गाड़ी का था तो कभी कपड़ों का था, अब नहीं रहा। जवाब किसको कैसे देना है हमको आता है, अगर तुम्हारे पास जवाब है तो दो कितनी नौकरियां दी, जवाब है तो दो कि तुमने कितने सनतों को चालू किया, कितने शौचालय बनाए, जवाब है तो दो हिंदुस्तान की मईशत को कितना तुमने बनाया है, कितना पानी लाया है, कितनी बिजली लाई है। अरे तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो सिर्फ मुसलमान 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 मुसलमान। इतने बड़े लीडर, बहुत बड़े लीडर, कल का चाय वाला आज का वजीर आजम, बहुत बड़ा लीडर। अफसोस कि बीजेपी वालों को मोदी के नाम पे वोट नहीं मिल रहा, शाह के नाम पे वोट नहीं मिल रहा, योगी के नाम पे नहीं मिल रहा है। अब हद तो ये हो गई।
नामपल्ली की एक अदालत ने बीआरएस के सोशल मीडिया इंचार्ज कृषंक को मशरूत जमानत मंजूर कर दी, जिसके बाद उनकी रिहाई अमल में आई। अदालत ने कृषंक को हिदायत दी कि वो रोजाना मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में हाजिरी दें। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बर्फी और पानी की किल्लत पाए जाने की वजह से उस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल को बंद कर दिए जाने की सोशल मीडिया पर कृषंक ने तशहीर की थी। इस हरकत पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सख्त नोट लिया था। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार ने मुलाजिमीन को हिदायत दी है कि वो जींस और टी शर्ट ना पहने। उन्होंने मामूल के फॉर्मल लिबास जेब तन करने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि आरटीसी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स खाकी लिबास पहनते हैं, जबकि दीगर मुलाजमीन कैजुअल लिबास में कॉरपोरेशन और ड्यूटी को आ रहे हैं। कॉरपोरेशन में काम के मुकाम पर वखार को बरकरार रखने के लिए मुलाजमीन यूनिफॉर्म या रस्मी लिबास में आए। इंतखाबात में वोट के हक़ से इस्तेफादा के लिए हैदराबाद में मुखीम आंध्र प्रदेश की आवाम की अक्सरियत अपने आबाई मुकामात के लिए रवाना हो गई। इन अफराद का मानना है कि वो 5 साल में एक बार आने वाले जमहूरियत के त्यौहार का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसके हिस्से के तौर पर वो वोट डालने के लिए अपने अपने शहरों में जा रहे हैं, जिसके पेश नज़र हैदराबाद से आंध्र प्रदेश जाने वाली ट्रेनों, आरटीसी और खानगी बसों में तमाम सीटें पुर हो गई हैं। हैदराबाद के बस स्टैंड पर भी आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों से इस बात के चर्चे आम हैं कि एलएनटी कंपनी हैदराबाद मेट्रो से दस्तबरदार हो रही है। बताया जाता है कि खवातीन के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत बसों में फराहम करने का असर मेट्रो ट्रेनों पर पड़ा है, जिसके पेश नज़र मुसाफिरों की तादाद में कमी हो गई है। मेडिकल ऑफिसर की जानिब से जिनसी तौर पर हरासा करने की 21 खातून मेडिकल ऑफिसर्स ने शिकायत की है। ये वाकया कामरेड्डी ज़िले में पेश आया। इस खसूस में शिकायत स्टेट मेडिकल एंड हेल्थ सेक्रेटरी के साथ साथ कलेक्टर से की गई। इस शिकायत में कहा गया कि मेडिकल ऑफिसर ने उनके साथ मुनासिब रवैया अख्तियार नहीं किया और नामुनासिब तरीके से उनको छुआ। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।